कंप्लीट। सो लेट अस हैव बेटा एसी अप्लाइड टू ए प्योर नंबर वन रेजिस्टर बेटा। एक प्योर रेजिस्टर है, आपने प्योर रेजिस्टर पे एसी अप्लाई किया है, तो आप कैसे करंट एंड वोल्टेज को बेटे रिलेट कर पाएंगे, और क्या आपका करंट हेड होगा या वोल्टेज हेड होगा। लेट अस बेटे कंसंट्रेट अपॉन दिस ऑल। इमेजिन कर लीजिए ये आपके पास प्योर रेजिस्टर है बेटा, और आपने जो आपका प्योर रेजिस्टर है इसके अक्रॉस एक बेटे सोर्स ऑफ ईएमएफ दैट इज एसी सोर्स आपने बेटे लगा दिया। इसका रेजिस्टेंस आप कैपिटल आर कह देते हैं, और बेटे एसी वोल्टेज जो आपके पास अवेलेबल है आरएमएस वैल्यू जो है इट इज इक्वल टू ई नॉट एंड साइन ऑफ ओमेगा टी के बराबर आपके पास ये वैल्यू आप साइन फॉर्म में इसको लिखा करते हो। और बेटे देखिए जब आप इसको प्योर रेजिस्टर के अक्रॉस अप्लाई कर रहे हो देयर मस्ट बी सम करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट एंड वी नो दैट आई जो है हमारा दिस इज इक्वल टू द वोल्टेज डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस वी आर ऑफरिंग टू द फ्लो ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट बेटे। सो आई विल बी इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय बेटे आर। और बेटे ये जो आपका ई नॉट अपॉन आर है ये ई नॉट बेसिकली आपकी पीक वोल्टेज है बेटे, पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज है। सो आई विल बिकम इक्वल टू बेटे आई नॉट एंड बेटे साइन ऑफ ओमेगा टी। तो आप इसको और इसको बेटा जब इन दोनों इक्वेशंस का कंपैरिजन करोगे तो आप ये वाली टर्म को स्पेशली फोकस कर लीजिएगा। ये आपको क्लियरली इंडिकेट कर देती है कि करंट और वोल्टेज जो है दीज आर इन फेज विद ईच अदर व्हेन वी अप्लाई द एसी टू ए प्योर रेजिस्टर बेटे। और उत्तर इसको आप प्लॉट करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ द फेज डायग्राम आप एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बेटे कंसिडर किया करते हो, और ये आपका मान लीजिए ई एस सच है, और इसने इन एक्सिस के साथ ओमेगा टी एंगल बना रखा है, इनिशियल फेज इतना है। तो आपका आई भी इसी तरफ ही है बेटा, तो यू विल से दैट इट्स आई, आपने अदरवाइज ई इन एक्सिस के लॉन्ग और आई इन एक्सिस के लॉन्ग लिया हुआ है। आप इनका प्रोजेक्शन अगर देखोगे तो इट विल गिव यू ई नॉट, और इसका प्रोजेक्शन अगर देखोगे इट विल गिव यू बेटे आई नॉट। सो डियर चिल्ड्रन आप बेटे ई और आई जो है इन दोनों का बेटे जब कंपैरिजन करोगे तो यू विल रियलाइज दैट कि आपका करंट और वोल्टेज जो है ये दोनों ही इन फेज हैं। बेटे देखो कंसेप्ट कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन जब इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा मे बी इन दी फॉर्म ऑफ द मल्टीपल चॉइस टाइप और नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, वहां पे यही कंसेप्ट आपके काम आने वाला है दैट कि प्योर रेजिस्टर में आपका वोल्टेज और करंट जो है दीज आर इन फेज, इनके बीच में कोई भी फेज का डिफरेंस नहीं है। और बेटे अगर इनके बीच में कोई भी फेज का डिफरेंस नहीं है तो मैं यहाँ पे एक मिनट आपका और लेना चाहूंगा। आप बड़े अच्छे से जानते हैं कि पावर कंज्यूम्ड अक्रॉस एल सी आर सर्किट जो है ये ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस ऑफ द एंगल फेज एंगल बिटवीन द टू इसके बराबर हुआ करता है। और बच्चों देखिए यहाँ पे आपका बेटे जो है फाई ये तो जीरो आ रहा है, कॉस जीरो इट्स वेल नोन टू बी इक्वल टू वन, इसका मतलब है कि सारे का सारा पावर का लॉस इस रेजिस्टर के अक्रॉस ही हो रहा है बेटा। तो ये रेजिस्टर जो है ये आपकी टोटल पावर लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और बच्चों आप जैसे लेबोरेटरी में काम करते हो, लेबोरेटरी में आप डायरेक्ट करंट को डीसी को बैटरी जो सप्लाई करती है उसको कंट्रोल करने के लिए आपने एक रेजिस्टेंस बॉक्स यूज किया था, रियोस्टेट यूज किया था, रेजिस्टेंस कॉइल यूज की थी, यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग दैट ऑल। आई इन नट शैल मीन टू से दैट बेटा आप डायरेक्ट करंट को कंट्रोल करने के लिए प्योर रेजिस्टर यूज करते हैं, बट बेटे एसी के लिए हम प्योर रेजिस्टर इसको कंट्रोल करने के लिए नहीं यूज कर सकते।
रीजन बीइंग कि एसी का टोटल लॉस हो जाएगा इसके क्रॉस, प्योर रेजिस्टर के क्रॉस, सो वी विल नॉट बी यूजिंग दैट एसी को कंट्रोल करने के लिए। आप बेटे इसी वजह से चोक कॉइल यूज किया करते हो, बिकॉज चोक कॉइल जो है उसके अक्रॉस आपकी जो पावर का लॉस है दैट विल नॉट बी टू मच लॉस बेटे। सो ऑन दिस बेसिस आपको इस तरीके से बेटा डिफरेंट वे में क्वेश्चंस जो हैं ये फ्रेम करके पूछे जा सकते हैं। यू आर टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल बेटा। सो आई कैन सी चरणजोत, क्षितिज, लक्ष्य, सुप्रिया बेटे, शुड आई कंटिन्यू विद दिस फर्दर बेटे? एसी अप्लाई टू द केस ऑफ द प्योर इंडक्टर देन कैपेसिटर देन एलसीआर सीरीज सर्किट एंड देन रेजोनेंस बेटा। चरणजोत पुत्र, क्षितिज, लक्ष्य, सुप्रिया, ओके बेटा डियर, ओके। सो आइए बेटे फिर स्टार्ट कर लेते हैं। इसके बाद बेटे मैं फिर वही बात रिपीट ही कर रहा हूँ, देखो टॉपिक मुश्किल नहीं है लेकिन इसकी एप्लीकेशंस बहुत हैं। आप इन टॉपिक्स के बेसिस पर बहुत सारे मिसलेनियस क्वेश्चंस का जवाब दे पाएंगे, तो इसीलिए मैंने बेसिक्स के ऊपर थोड़ा सा फोकस किया है। आइए एक प्योर इंडक्टर की बेटे बात करके देखें। आप अगर प्योर इंडक्टर को एसी अप्लाई कर देते हो तो किस तरीके का बिहेवियर जो है करंट और वोल्टेज शो करेंगे? लेट अस कंसीडर दिस पर्टिकुलर बेटा। ये आपके पास एक इंडक्टर है, आपने एसी सोर्स अटैच किया इस इंडक्टर के साथ, इंडक्टर की इंडक्टेंस एल बोल दीजिए बेटे, और आप बड़े अच्छे से जानते हो कि आपका जो एसी वोल्टेज है दिस इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर हुआ करता है। और जब आप एसी सोर्स इस इंडक्टर को अप्लाई कर देते हो, इंडक्टर बेसिकली आपका बेटे एक सिंपल कॉइल है, और ये जो कॉइल है इसकी खास बात ये है कि ये करंट की ग्रोथ और करंट के डिके को डिले कर देता है, एकदम से करंट को ये इसमें से मैक्सिमम नहीं होने देगा। और जब आप अपना सर्किट स्विच ऑफ करोगे, एसी स्विच ऑफ करोगे, ये एकदम से इसमें से करंट को जीरो भी नहीं होने देगा, तो पहले थोड़ा कम होगा, फिर कम होगा, फिर कम होगा, देन इट विल बिकम जीरो। ऐसे ही जब आप अपना सर्किट स्विच ऑन करोगे, एसी अप्लाई करोगे, पहले थोड़ा करंट होगा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ये थोड़े टाइम के बाद अपनी पीक वैल्यू अटेन करेगा। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स नाउ बिकॉज आपने आई और टी के बीच में ग्राफ ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। सो बेटे इसका मतलब ये हुआ कि जब आपका करंट इसमें से ग्रो करने की कोशिश कर रहा है, इसमें एक बैक ईएमएफ माइनस एल डी आई बाई डी टी के बराबर जो है, जो आपकी अप्लाइड ईएमएफ के अपोजिट डायरेक्शन में है, ये बेटे अपने आप ऑटोमेटिकली जो है इट कम्स इनटू पिक्चर बेटे। तो जब ये स्टार्ट होगा बैक ईएमएफ बेटा, ये आपके ईएमएफ को बेटा ग्रोथ को डिले करेगा। इट मींस दैट कि आपको मिनिमम वैल्यू जो वोल्टेज की है एटलीस्ट इसके नेगेटिव के बराबर, नेगेटिव का मतलब है इसके अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करनी होगी। सो आई मीन टू से दैट ईएमएफ आपका डियर चिल्ड्रन एल डी आई बाई डी टी के बराबर, ये बेटे कौन सा ईएमएफ है जो अप्लाई कर रहे हो, ये कौन सा है जो बैक ईएमएफ ये दे रहा है आपको। सो इन दिस वे आप इसके साथ बेटे डील करेंगे। अब आप इसकी वैल्यू डाल दीजिए, ये वाली इट इज ई नॉट साइन ओमेगा टी, इट इज एल एंड बेटे डी आई बाई डी टी, एल को आप इस तरफ शिफ्ट कर लीजिए, ई नॉट अपॉन एल इंटू साइन ओमेगा टी, इट इज इक्वल टू डी आई बाई डी टी, ई नॉट अपॉन एल आपका बेटे जो है, आप इसको बेटे इसी साइड पे रख के डी टी को भी इधर ही शिफ्ट कर लीजिए, ये दोनों कॉन्स्टेंट्स ही हैं। डी आई विल बी इक्वल टू डियर चिल्ड्रन ई नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी एंड डी टी बन गया जी। अब बेटे देखो आप इसको इंटीग्रेट करके अपना आई निकाल सकते हैं बेटा, आइए बेटे इंटीग्रेट कर लें। आई विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ दिस डी आई बेटे, एंड इट इज इक्वल टू इंटीग्रल ई नॉट अपॉन एल एंड साइन ओमेगा टी डी टी, ये चीज जो कांस्टेंट थी आप इसको इंटीग्रल से बाहर निकाल लीजिएगा, ई नॉट अपॉन एल इंटीग्रल ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी बेटा, इट विल बी इक्वल टू ई नॉट अपॉन एल बेटे साइन ओमेगा टी का इंटीग्रल चरणजोत,
चरणजोत पुत्र, चरणजोत, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रल, क्षितिज, लक्ष्या, सुप्रिया, चरणजोत पुत्र बोलो। चरणजोत आपकी आवाज नहीं पुत्र आई। इंटीग्रल ऑफ साइन ओमेगा टी बेटे, चरणजोत बेटे आपका माइक मुझे दिख रहा है चलता, बट आवाज नहीं आ रही है। क्षितिज, क्षितिज, इंटीग्रल ऑफ साइन ओमेगा टी बेटा। ओके, इट इज बेटे साइन का यस सर। होता है। हाँ जी पुत्र, इंटीग्रल पूछ रहा था मैं। माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा हो जाएगा बेटा, चेक करिएगा। यस सर। आइए फिर अब इसको बेटे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। आइए आपके पास बच्चों बन गया ई नॉट अपॉन ओमेगा और एल को बेटे मैं क्लब कर रहा हूं। माइनस साइन एज इट इज है जी, एंड कॉस ओमेगा टी भी पड़ा है। अब बेटे ये जो नेगेटिव साइन है इसको आप एडजस्ट कर सकते हो इसी के बीच में, बट बिफोर दैट ओमेगा एल आपका जो है बेटा, आप इसको बेटे एक्स एल इंडक्टिव रिएक्टेंस बोला करते हो, एंड कॉस ऑफ ओमेगा टी एस सच है ही है। और बेटे वोल्टेज ओवर आपका जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है आपको करंट दे देगा। सो डियर चिल्ड्रन, इट विल बी माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी। हम कॉस ओमेगा टी में अपना एक्सप्रेशन नहीं रख सकते बिकॉज वी आर टू कंपेयर इट विद ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसके साथ जब आप कंपैरिजन करोगे तो दिस मस्ट बी इन द साइन टर्म। आप कॉस को जब साइन में कन्वर्ट करोगे बेटा तो आपके पास आई जो है इट विल बी इक्वल टू बेटे आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू आ जाएगा। इसको और इसको कंपैरिजन जब आप करेंगे तो यू विल रियलाइज दैट आपका जो करंट है इट इज लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज बाय द फेज एंगल पाई बाई टू। 90 डिग्री ये पीछे चल रहा है आपकी वोल्टेज से बेटा। सो इन दिस मैनर आप जब जब प्योर इंडक्टर की बात करोगे तब तब आपके माइंड में ये बात बिल्कुल फिक्स हो जानी चाहिए कि करंट 90 डिग्री आगे चल रहा है और बेटे वोल्टेज जो है दैट इज 90 डिग्री बिहाइंड द वोल्टेज। सो इसको आप प्लॉट कुछ इस तरीके से कर सकते हो बेटा। आप फेजर डायग्राम में इन एक्सिस को ड्रॉ किया करते हैं, प्लॉट किया करते हैं, और बड़े ध्यान से देखिएगा। आप अगर यहाँ पे ओरिजिन ले लोगे आपका ये बेटे बन गया जी ई, और आप जानते हैं ई का फेज इनिशियल जो है इट इज बेटे ओमेगा टी के बराबर का है। ऑलरेडी आपने इंडिकेट कर रखा है, इससे ये 90 डिग्री लैग कर रहा है, पीछे चल रहा है, तो आप 90 डिग्री पीछे चले जाइएगा। तो दिस इज इंडिकेटेड इन दिस वे, ये आपको बेटे आई दे देगा और आपका ये फेज डिफरेंस जो है दोनों के बीच में आप इसको इस तरीके से इंडिकेट कर सकते हो कि आपका करंट जो है दैट इज लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज एज सच बेटे। सो इन दिस वे बेटे हम अपने इसको इंडक्टर को, प्योर इंडक्टर को स्टडी कर सकते हैं। थोड़ी सी बात हमारी बेटे एक्स एल के करने साथ रिलेटेड करने वाली बाकी है। आइए एक्स एल को थोड़ा सा और एनालाइज करके देखें। एक्स एल हमारा ओमेगा इनटू एल के बराबर हमने ऑलरेडी कहा हुआ है। यहाँ पे ओमेगा को आप बेटे टू पाई एंड न्यू एंड एल कह दोगे। जब आप बेटे प्योर डायरेक्ट करंट की बात करते हो उसके लिए फ्रीक्वेंसी जीरो हुआ करती है। आप यहाँ पे जीरो पुट कर देंगे तो आपका जो एक्स एल है इट विल बिकम जीरो। इसका मतलब ये हुआ बेटे आपका इंडक्टर डीसी को बिल्कुल भी बेटा डीसी के फ्लो को कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा। अगर आप बात करोगे प्योर अल्टरनेटिंग करंट की तो वहां पे आपका फ्रीक्वेंसी नॉन जीरो है, और अगर ये नॉन जीरो होगा तो आपका जो एक्स एल है इट विल आल्सो बी नॉन जीरो।
इट विल मीन दैट कि आपका प्योर इंडक्टर जो है बच्चों, ये एसी के फ्लो को अपोजिशन ऑफर करेगा, लेकिन प्योर इंडक्टर आपका डीसी के फ्लो को कोई भी अपोजिशन ऑफर नहीं करता है. कीप दिस थिंग इन माइंड बेटा. देन पुत्र, इसके बाद कभी कभी वो आपको एक्सेल के यूनिट्स के बारे में भी पूछते हैं. तो क्षितिज पुत्र, एक्सेल के यूनिट्स आप बता सकते हो क्या होंगे बेटा? क्षितिज, एक्सेल के यूनिट्स बेटा इंडक्टिव रिएक्टेंस के. क्षितिज यस सर. बेटे, एक्सेल के यूनिट्स क्या होने चाहिए पुत्र? इसके यूनिट्स बेटे रेजिस्टेंस वाले ओम ही होने चाहिए. इसको आप याद रखिएगा, आपका यहाँ इंडक्टिव रिएक्टेंस हो या कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो, ये दोनों बिकॉज अपोजिशन ऑफर कर रहे हैं आपके एसी के फ्लो को. तो दैट्स व्हाई वी विल से दैट कि ये आपके दोनों ही बेटा रेजिस्टेंस वाले यूनिट्स को जेस करेंगे और रेजिस्टेंस बिकॉज ये ऑफर कर रहे हैं. देन डियर चिल्ड्रन, लेट अस टेक अप द केस ऑफ ए प्योर कैपेसिटर बेटे. जब आप एक प्योर कैपेसिटर को बेटे अपना एसी ऑफर कर देते हो, अप्लाई कर देते हो, इमेजिन कर लीजिए ये आपका बेटे प्योर कैपेसिटर है और आपने एक एसी सोर्स बेटे अप्लाई कर दिया इस कैपेसिटर के अक्रॉस, एंड ये वोल्टेज आपकी जो है ई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर है. सी आपका कैपेसिटी है कैपेसिटर का. और आइए अगर हम बेटे अब करंट की बात करें जो इसमें से फ्लो हो रहा है, ये किस तरीके से बिहेव करेगा, लेट अस बेटे कंसंट्रेट अपॉन दैट. इट्स वेल नोन टू अस दैट बेटा हमारा जो बेटे करंट है आई जो है, थैंक यू, आई जो है हमारा बेटे, इसको वर्कआउट करने के लिए आपको कैपेसिटी सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी देखना होगा बेटा. और आपका जो क्यू है डियर चिल्ड्रन, सी इन टू वी के बराबर का है पुत्र जी. आप इसका डेरिवेटिव ले लीजिए, लेकिन उससे पहले वी की जगह पर आप अपना ई सब्स्टिट्यूट कर दीजिए बिकॉज यू आर डीलिंग विद ई. सो क्यू इज इक्वल टू सी इन टू ई, या आपका क्यू जो है सी ई नॉट एंड साइन ओमेगा टी हो जाएगा जी. एंड बेटा आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी है, एंड इट इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ सी E not sin omega t आ गया जी. अब आप इसका पुत्र जी डेरिवेटिव परफॉर्म कर लीजिए. यू विल बी गेटिंग दैट I इज इक्वल टू बेटा C कांस्टेंट है, E not कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ sin आपके पास आ जाएगा जी cos omega t into omega. लेट अस रीएडजस्ट द टर्म्स बेटा. I आपके पास बच्चों बन गया जी C E naught into omega and बेटे cos of omega t. इसको जरा readjust करने की जरूरत है. इसको देखिए क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, 1 by omega into C करके चेक करके बताइएगा बेटे. चरणजोत, क्षितिज, सुप्रिया, लक्ष्य, can it be adjusted like this बेटे? हाँ जी पुत्र जी, waiting for your response. Can we write this in this manner? ठीक है बेटा. तो ये जो चीज आपकी डिनोमिनेटर में है, ये बेटे आपकी फिर देन कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो जाया करती है. E नॉट एस एच रह जाएगा एंड cos ऑफ ओमेगा टी भी है. वोल्टेज अपॉन रिएक्टेंस आपको बेटे जो है I नॉट दे देगा, पीक वैल्यू ऑफ करंट दे देगा एंड cos of omega t such है ही है जी. I नॉट sin of omega t plus pi by 2 आप कर दोगे बेटा. सो इन दिस वे आप इसको और आपका ये जो इक्वेशन है इसको जब कंपैरिजन करेंगे आप इन दोनों का, तो यू विल रियलाइज दैट आपका जो करंट है ड्यू टू दिस पॉजिटिव साइन, ये वोल्टेज से 90 डिग्री आगे चल रहा है, अहेड ऑफ द वोल्टेज है. इसी चीज को आप बेटे फेजर डायग्राम की फॉर्म में कुछ इस तरीके से बेटे रिप्रेजेंट कर सकते हो. आपने
ये एक एक्सिस ले लिए, ये दूसरे एक्सिस लिए हैं और ये आपका ओरिजिन आ गया जी। आपने देखिए वोल्टेज तो ऑलरेडी इनिशियल फेज इसका जो है ओमेगा टी बोल ही रखा है, ये देखिए। और आपका करंट इससे 90 डिग्री आगे होने का मतलब है कि करंट आपका इस तरफ है और आप इसको करंट को यहाँ पे प्लॉट कर सकते हो। ये एंगल आई मीन टू से दैट 90 डिग्री है, दिस इज योर बेटे आई। सो इन दिस वे बेटे आपका जो करंट है ये वोल्टेज से 90 डिग्री लीड कर रहा है। और आपका अगेन मैं वही बात कहूंगा, पावर लॉस की टर्म्स में अगर आप सोचें, आपकी एल सी एंड आर जो इन कंपोनेंट्स के क्रॉस पावर के लॉस की बात करें, तो आपके प्योर रेजिस्टर के क्रॉस बेटे इट वाज मैक्सिमम बिकॉज ऑफ दैट 0 एंगल, एंड अक्रॉस द इंडक्टर एंगल आपका 90 था, cos 90 विल गिव यू 0, नो पावर विल बी लॉस्ट अक्रॉस द प्योर इंडक्टर एंड अक्रॉस द प्योर कैपेसिटर, अगेन एंगल इज 90 डिग्री एंड नो पावर विल बी लॉस्ट अक्रॉस दिस पर्टिकुलर कैपेसिटर आल्सो बेटा। सो बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, लेट अस बेटे ब्रीफली एनालाइज अवर एक्स सी कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस को थोड़ा सा समझ के देखें और कि ये हमें बेटा कौन सी चीज कन्वे करता है, कौन सा हमें आइडिया इंडिकेट करता है। एक्स सी क्या है? इट इज 1/ओमेगा c है बेटे एक्स सी आपका। और आपने एक्स सी को कुछ इस तरीके से भी लिख लेना है, 1/2π(ν)c करके। अब अगर आप बात करोगे डीसी की, तो डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 है एंड एक्स सी आपका जो है इट विल बिकम इनफाइनाइट बेटा। डीसी को आपका प्योर कैपेसिटर बिल्कुल अच्छे तरीके से ब्लॉक कर देगा, अपने में से पास नहीं होने देगा। और अगर आप बात करोगे एसी की, एसी के लिए फ्रीक्वेंसी आपका 50 हर्ट्ज होता है, नॉन जीरो है, तो एक्स सी आपका जो है इट विल हैव सम पॉजिटिव वैल्यू, कुछ थोड़ा बहुत इसकी आप कैपेसिटी की वैल्यू जब पुट करोगे तो एक्स सी आपका डेफिनेटली लार्ज फिगर आपको दिख जाएगा, बिकॉज कैपेसिटर्स की कैपेसिटीज आपकी जनरली माइक्रो फेरेड में होती है। बहुत बड़ा कैपेसिटर भी अगर आप ले लें, आपने वेरी फर्स्ट चैप्टर में बच्चों पढ़ा था कि अगर आप अर्थ के साइज का कैपेसिटर एक ले लेते हो तो उसकी जो कैपेसिटी है, इतने बड़े कैपेसिटर की स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी, दैट इज इक्वल टू 711 माइक्रो फेरेड। तो यू कैन वेल इमेजिन दैट बेटा कि माइक्रो फेरेड भी कैपेसिटी का कितना बड़ा यूनिट है, 711 माइक्रो फेरेड। लेट मी राइट दिस फिगर, 711 माइक्रो फेरेड अर्थ के जितना बड़े साइज का अगर आप एक कैपेसिटर ले लोगे तो उसकी कैपेसिटी भी माइक्रो फेरेड में है। तो यू कैन वेल इमेजिन जब यहाँ पे माइक्रो फेरेड आप पुट करोगे, माइक्रो के फेरेड बनाओगे, पावर -6 ऊपर जाकर +6 हो जाएगा और वो +6 पावर आपकी एक्सएल को बहुत बड़ा बना देगा, एक्ससी को सॉरी। सो डियर चिल्ड्रन, आपका जो प्योर कैपेसिटर है ये एसी के फ्लो को काफी जबरदस्त अपोजिशन ऑफर करेगा, लेकिन ये उसको बेटा जो अपोजिशन के चलते पास करने देगा। लेकिन जब आप बात कर देते हैं बेटे इसकी डीसी की, डीसी की तो फ्रीक्वेंसी ही 0 है, तो डिनोमिनेटर में जब आपका 0 आ जाएगा इट विल बिकम इनफाइनाइट, वो डीसी को बिल्कुल ब्लॉक ही कर देगा बेटे। सो इन दिस वे आप अपने प्योर कैपेसिटर की कंसेप्ट को बेटे एनालाइज कर सकते हैं। सो आइए अब आगे चलें बेटा, थोड़ी एल सी एंड आर हमारा जो सर्किट है, रादर सीरीज सर्किट है, इसके बारे में बच्चों ब्रीफली बात करके देखें हमारा सर्किट कैसा है, कैसे हम इसके साथ बेटा फर्दर मोर ये सारे का सारा एनालिसिस कर सकते हैं। दिस इज बेटे योर एल, दैट इज इंडक्टर, एंड बेटा डियर चिल्ड्रन दिस इज योर सी एंड हेयर इज बेटे योर आर, इंडक्टर कैपेसिटर एंड दिस इज रेजिस्टर बेटा। आपने इनको लगा दिया अक्रॉस ए प्योर एसी सोर्स, इनके क्रॉस एक अटैच किया है और जब आप इसको अटैच कर दोगे देन बेटे आपका जो वोल्टेज है इट विल बी इक्वल टू E0 sin ωt आ जाएगा जी। और इंडक्टर के अक्रॉस आप जानते हैं वोल्टेज जो है ये
से 90 डिग्री आगे चलती है, ये करंट है, ये वोल्टेज है, और कैपेसिटर में आपका जो करंट है ये वोल्टेज से 90 डिग्री आगे चलता है, और प्योर रेजिस्टर के केस में आपकी वोल्टेज और करंट दोनों ही बेटा इन फेज रहते हैं। तो ये कंसेप्ट आपने अप्लाई कर देना है। इसका जो इंडक्टिव कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस है, इनकी अगर हम वैल्यूज देखें, हमारे पास बेटा फेजर डायग्राम जो है ये कुछ इस तरीके का बेटे सेटअप आएगा। आइए कंसंट्रेट करके देखें, आपने इस एक्सिस पे, इन एक्सिस पे रादर करंट लिया, और यहाँ पे इन एक्सिस पे आपके पास आ गया जी एक्स एल कह लीजिए, इंडक्टिव रिएक्टेंस आ गया। इन एक्सिस पे आपके पास आ गया एक्स सी, या आप एक्स की बात छोड़ दीजिए वी बोल दीजिए, बी सी वी आर वी एल, एंड इट इज सिंपली योर वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर आपने लिया बेटा। एंड व्हेन वी विल बी डायरेक्टली फोकसिंग अपॉन दिस कंसेप्ट बेटा, आपका वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर एंड कैपेसिटर, ये दोनों वोल्टेजेस बेटे जो हैं ये फर्दर मोर आपके एक्सएल एंड एक्ससी के साथ कनेक्टेड हैं, रिलेटेड हैं। अगर आपका इस केस में ये वाला वेक्टर इस वेक्टर से छोटा है तो आपका ये रिजल्टेंट आ जाएगा, इट इज बेटे एक्स एल माइनस एक्स सी, या अगर आप वोल्टेज की टर्म्स में लिखोगे बी एल माइनस बी सी आ जाएगा, वी आर आपका इधर ऑलरेडी है। तो आप अब बेटे जब इनका ये रिजल्टेंट ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, ये आपको दे देगा ई बेटा, और इसने करंट के साथ ये एंगल बना दिया है फाई, ये करंट है आपका बेटा। इसमें आपने ये अजम्पशन किया है कि आपका प्योर इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज मोर देन दैट अक्रॉस द कैपेसिटर, और आपका जो सेटअप है इट इज इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट बेटे। सो अगर ये इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट है देन वी कैन से दैट बेटे आपकी ये जो नेट वोल्टेज ई है इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ योर वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इसका स्क्वायर, प्लस बेटे वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर प्योर इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस 90, कॉस 90 की वजह से मैंने इसको छोड़ दिया। बी एल आपको दे देगा आई इंटू एक्स एल, आई इंटू एक्स सी, एंड इट इज आई इंटू आर इसका स्क्वायर, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, आपके पास ये आई आपने कॉमन निकाल लिया, एंड इट्स एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर प्लस बेटे आर का स्क्वायर, आई को आप लेफ्ट साइड पे एडजस्ट करिए, आपके पास जो है रिजल्टेंट इक्वेशन क्या बनेगी, लेट अस बेटे कंसंट्रेट अपॉन दैट एंड फोकस अपॉन दैट रादर, इट विल बी ई अपॉन आई, ये चीज आ गई जी, इट इज इक्वल टू इसको उठा लेंगे एज सच एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर ऑल अंडर द रूट, ये आपका बेटे इंपीडेंस ऑफ द सर्किट जेड कहलाता है। तो जेड इज इक्वल टू एक्स एल माइनस एक्स सी इसका स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर ऑल अंडर द रूट बेटा, और ये फिर आपको बेटे और क्या चीज दे देगा, आइए इसको जरा सोचें, एक्सएल आप ओमेगा इंटू एल लिखा करते हो, एक्स सी को आप वन बाई ओमेगा इंटू सी लिखा करते हो, और आर को आप एस एच आर ही लिखा करते हो, तो ये चीज आपके पास आ जाएगी बेटे आपके इम्पीडेंस के साथ रिलेटेड। अगर आपका बेटे रेजोनेंस हो जाए, एट रेजोनेंस आपके पास क्या होगा, एक्स एल जो है एक्स सी के बराबर आ जाएगा, ये टर्म आपका डिफरेंस जीरो हो जाएगा, और जेड आपके पास आर के बराबर आ जाएगा बेटे, और आपका जो एल सी आर सीरीज सर्किट है ये एक बेटे प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और दिस इज द की पॉइंट बेटा। सो इस केस में बेटे हम ये बात कह सकते हैं कि जब भी आप प्योर एल सी आर सीरीज सर्किट की
एयर टू रेजोनेंस बात करोगे तो आपका वो एक प्योरली बेटे रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा बेटे। सो इसको एक बार अच्छे से फिर से देख लीजिएगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर द डे बेटे। थैंक यू ऑल।